हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगी उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि UPPCS का जो पेपर है वो रिसेंटली अभी आने वाला है, तो हम कुछ शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू यूपी स्पेशल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो देखेंगे। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ सीमा अग्रवाल एंड आई एम दी फैकल्टी एट सिविल एकेडमी फॉर आपका ज्योग्राफी एंड योर जनरल साइंस एंड करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स शो मेरा होता है आपका वीक में दो दिन। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए। करेंट अफेयर्स के लिए आपको आराम से यहाँ से जो एक्सेस है वो मिल सकता है। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया है सिविल एकेडमी IAS के नाम से, तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश में एक तो प्रिंटेड मतलब PDF के फॉर्म में आपको करेंट अफेयर्स का मटेरियल मिलता है, प्लस साथ ही साथ जितने भी हमारे YouTube पर जो इवेंट्स आते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हों या आपके शॉर्ट वीडियोस हों या फिर करेंट अफेयर्स शो हो, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाती है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो UPPCS के एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका एक रेनबो लैंड की तरह से जाना जाता है। मतलब जिस तरीके से इंद्रधनुष होता है वैसे ही उत्तर प्रदेश आपका कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड आपकी पॉलिटिकल और इथिकल सब तरीके की डाइवर्सिटी को लिए हुए है आपका यूपी। तो मल्टी ह्यूड इंडियन कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि बुद्ध धर्म आपका यहीं से निकल करके गया, अशोक यहीं से, आपके हिस्टोरिकल जो हीरोज़ हैं वो यहीं से निकले हैं आपके ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो वैरायटी ऑफ ज्योग्राफिकल लैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी भी हमें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जैसे इट्स अ यूपी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इट्स अ कल्चरल डाइवर्स स्टेट, इट्स अ ज्योग्राफिकली डाइवर्स स्टेट एंड इट्स पॉलिटिकली डाइवर्स स्टेट, और आप मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो भी बहुत डाइवर्स स्टेट है। सो इट्स अ रेनबो लैंड अगर मैं कहूँ यूपी के लिए। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में अगर कहीं पर मिलती है तो इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। फोर्थ लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी में बात करेंगे तो 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं, 18 मंडल हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके 75, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 18 आपके मंडल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। नदन पोर्शन की अगर बात करते हैं तो इसे अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश के को 2000 में और एक नया स्टेट फॉर्म किया गया, दैट इज़ उत्तराखंड, जो कि इंडिया का 27th स्टेट था। अब आप मुझे बताइए कि किस डेट को ऐसा किया गया कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके 27वां राज्य बना दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। द रीज़न इज़ विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर हैं, देन लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर दी गई हैं एंड राज्यसभा के लिए भी सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो यहीं पर दी गई हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकली इट इज़ वेरी एक्टिव और पॉलिटिकली इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेट आउट ऑफ ऑल दी स्टेट्स ऑफ इंडिया। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल डेमोग्राफिक जो यहाँ पर डिविजन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डायनेमिक। सोशल डेमोग्राफिक जो सामाजिक अगर हम बात करते हैं जननांकी है वो भी यहाँ पर बहुत डाइवर्स है, काफ़ी विविधता लिए हुए हमें यहाँ की जननांकी जो है, लोग जो हैं, पॉपुलेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आज डिस्कस करते हैं हम स्टेट सिंबल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे इम्पॉर्टेंट आपका स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री, स्टेट आपका स्टेट का अगर हम बात करें तो खेल कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं फर्दर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा जाता है, चाहे आप UPPCS का पेपर देने के लिए जा रहे हो या फिर अदर यूपी का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट एनबिल की, या स्टेट का जो आपका राज्य चिन्ह होता है उसकी। अगर स्टेट के चिन्ह की बात करेंगे, राज्य चिन्ह की बात करेंगे, तो इसमें एक सर्कुलर सील है, इट्स कंसिस्ट अ सर्कुलर सील जो हमें क्या दिखाती है, गंगा
और यमुना का कन्फ्लुएंस दिखाती है कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और वहाँ पर गंगा और यमुना का कन्फ्लुएंस हो रहा है, संगम हो रहा है, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंट इन देयर स्टेट एम्बलम। तो स्टेट एम्बलम में इसको रिप्रेजेंट किया गया है सर्कुलर सील के फॉर्म में। नाउ सेकेंड हमें यहाँ पर दिखता है इसके एम्बलम में अ पेयर ऑफ मत्स्य या फिश दिखाई देती हैं, जो क्या आपका दिखाती हैं, फॉर्मर मुस्लिम रूलर्स ऑफ अवध के जो थे उनको रिप्रेजेंट करती हैं अ पेयर ऑफ फिशेस का। नेक्स्ट थर्ड जो हमें हमारे एम्बलम में दिखता है दैट इज बो एंड एरो, धनुष और आपका बाण दिखता है, दैट रिप्रेजेंट दी हिंदू डेटी भगवान राम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपके अयोध्या में जन्मे थे और अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टेट एम्बलम है, दिस इज़ दी स्टेट एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप सर्कुलर सील देख सकते हैं, सर्कुलर सील है आपकी एंड दो आपको धाराएं दिखाई दे रही हैं इस तरीके से कन्फ्लुएंस पर। दिस इज गंगा एंड यमुना का कन्फ्लुएंस दिखाई देता है। बो एंड एरो आपको दिख रहा है जो भगवान राम को डिपिक्ट करता है बिकॉज उनकी जन्मभूमि यहीं पर है अयोध्या, और ये है आपकी पेयर ऑफ फिशेस विच रिप्रेजेंट्स दी अवध के जो आपके शासक रहे, मुस्लिम जो शासक रहे उनके बारे में रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद हमें और हमारे एम्बलम में दिखता है लिजेंड अराउंड दी सील ट्रांसलेट्स एज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस पूरे सील के, इस पूरी मोहर के चारों तरफ हमें एक लेजेंड लिखा हुआ दिखाई देता है दैट इज़ उत्तर प्रदेश सरकार। तो इस तरीके से जो पूरा स्टेट एम्बलम है वो हमारा बनता है यूपी का। नाउ कम टू दी स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल पे आते हैं। अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें यूपी के, तो यूपी का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। बारहसिंगा जिसे हम कहते हैं स्वैम्प डियर। नाउ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कि स्वैम्प डियर या बारहसिंगा यूपी के अलावा किस और स्टेट का स्टेट एनिमल है। देखिए बीच बीच में साथ साथ में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछती रहूँगी और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको आंसर ज़रूर करें, ठीक, क्योंकि हम जब इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तभी हम बेटर तरीके से चीज़ों को याद रख पाएंगे। यूपी स्पेशल, मोस्ट ऑफ द यूपी स्पेशल इज़ फैक्चुअल, तो आप तभी इसको अच्छे से याद रख पाएंगे जब आप बार बार रिवाइज करेंगे एंड इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइएगा मुझे आंसर इसका, बारहसिंगा जिसको हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं, अगर साइंटिफिक नेम की इसके बात की जाए तो इट इज रुसर्वस डुवायुसेली, इसका साइंटिफिक नेम है। और बारहसिंगा से भी यहाँ पर मीनिंग है कि उसके कितने सींग होते हैं, 12, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12। तो टोटल आपको यहाँ पर 12 सिंग दिखाई देते हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज बारहसिंगा एंड इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ डियर। डियर की ही स्पीशीज़ है आपकी और ये स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का। नाउ कम टू दी स्टेट बर्ड, और इसके साथ साथ आप मुझे बारहसिंगा का IUCN स्टेटस भी बताइए। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के सर्च करने के लिए भी छोड़ी हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं बताई हैं, सो दैट कि आप ज़्यादा इंगेज होकर के, ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के इस वीडियो को देख पाएँ। चलिए नाउ दी थर्ड हम देखते हैं स्टेट बर्ड, तो स्टेट बर्ड है इनकी सारस क्रेन। सारस क्रेन अभी रिसेंटली बहुत आपका चर्चाओं में भी रहा बिकॉज एक छोटा सा आपका इंसिडेंस भी हुआ था यहाँ पर यूपी के अंदर, न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी शायद। तो इसका साइंटिफिक नेम की अगर बात करेंगे तो साइंटिफिक नेम है ग्रुस एंटीगन, दिस इज़ दी सारस आपका क्रेन, ये सारस क्रेन है एंड बिकॉज दे आर दी सोशल एनिमल, सोशल बर्ड हैं बेसिकली ये, तो ज़्यादातर हमें पेयर्स में देखने को मिलते हैं बिकॉज दे आर सोशल बर्ड्स, तो इसीलिए हमें यूजुअली पेयर्स में देखने को मिलते हैं। वेटलैंड एरियाज को जनरली ये प्रेफर करते हैं और वल्नरेबल स्पीशीज है ये IUCN के अंदर, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 4 में आती है। तो आप इसका स्टेटस जो है वो याद रखेंगे, स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का, एनवायरनमेंट में आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो सारस क्रेन स्टेट बर्ड है आपका उत्तर प्रदेश का, IUCN में स्टेटस वल्नरेबल है, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में आता है, सोशल बर्ड है और साइंटिफिक नेम है इसका ग्रस एंटीगन, ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेट फ्लावर पर, तो यूपी का जो स्टेट फ्लावर है दैट इज़ पलाश। पलाश है आपका यूपी का स्टेट फ्लावर और इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूशिया मोनोस्पर्मा,
दिस इज़ पलाश के फूल, आप लोगों ने बहुत आराम से देखे होंगे, बड़े सुंदर रेड कलर के होते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं. नाउ कंट्रोल एंड मैनेज इंडोर पोल्यूटेंट्स, तो ये इंडोर पोल्यूटेंट्स को जो अंदर हमारे यहाँ पोल्यूशन होता है उसको मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे हैव मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो. मेडिसिन की तरह भी बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है एंड रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो इनकी मानी जाती है पलाश के फूलों की. हवन, यज्ञ इन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट आते हैं कि यूज्ड होते हैं ये आपके, मैंने जैसा बताया मेडिसिंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. जो हमारे पास अल्टरनेटिव मेडिसिनल टेक्निक्स हैं जैसे कि यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इन सब में एनाल्जेसिक्स की तरह एंड एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टी की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है पलाश का. तो ध्यान रखेंगे पलाश आपका स्टेट फ्लावर है. किसका स्टेट फ्लावर है? तो उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर है. और इसका अगर हम देखें तो इसकी रिलीजियस वैल्यू भी है, यज्ञ वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था एंड साथ ही साथ मेडिसिनल वैल्यू है. मेडिसिनल वैल्यू एंटी फर्टिलिटी के लिए है और एनाल्जेसिक्स के लिए इसकी मेडिसिनल वैल्यू है. ठीक, नाउ कम टू दी स्टेट ट्री. स्टेट ट्री यूपी का जो है दैट इज़ योर अशोका ट्री. अशोक का पेड़ आप लोगों ने बहुत, इट्स वेरी कॉमन, आराम से देखा होगा, मिल जाता है. तो अशोक का ट्री इसका आपका स्टेट ट्री है. साइंटिफिक नेम है सराका अशोका. वल्नरेबल है IUCN में. तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो आपने स्टेट बर्ड देखा यूपी का दैट इज़ ऑल्सो वल्नरेबल इन IUCN एंड अशोका ट्री इज़ ऑल्सो वल्नरेबल इन IUCN. ठीक, नाउ नेक्स्ट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपसे एक सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि यूपी का स्टेट गेम कौन सा है, खेल कौन सा है और यूपी का स्टेट जो नृत्य है वो कौन सा है, ये आप मुझे बताइएगा. साथ ही साथ इस वीडियो को रेगुलर आप लोग देखते रहिए क्योंकि इस सीरीज़ में हम पूरा यूपी स्पेशल जो है यूपी पीसीएस पेपर आने तक कोशिश करेंगे कि हम कवर कर पाएँ और उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी हम कर पाएँ. आज की इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही है. फिर दोबारा से आपके लिए एक और ऐसा ही वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे. तब तक देखते रहिए सिविल अकेडमी. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.